जाने वाले गा रहे हैं आप किसी यूनिट के साथ हैं। मैं तो कभी किसी यूनिट के उदास उदास देख रहे हो आप। मैं किसी को गाना नहीं गा सकता। म्यूजिक के बारे में कही है नीरज जी, रोमांस के बारे में कही है, सुशांत रोमांस कर रहा है कि नहीं? रोमांस रोमांस कर रहा है। सुशांत फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ नहीं झारखंड में। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च झारखंड में नहीं हुआ, बीइंग धोनीज होम टाउन, तो आर यू प्लानिंग पर्सनली वहां पे जाके किसी तरह से फिल्म को प्रमोट करोगे किसी लेवल पर? पिछले एक साल से वही पे था, अभी इधर है तो थोड़ी देर बाद जाऊंगा। ऑफ कोर्स झारखंड में भी जाएंगे और मैं पटना में पैदा हुआ था तो उधर भी जाएंगे। इंजरी तो बॉडी में थी, हाथ पूरा एक हाथ का था और माइंड सेट तो सही था, माइंड अलग है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो फिल्म जब बन रही थी तब आप काफी न्यूज पे थे प्रोफेशनली और पर्सनली भी, अंकिता को लेकर भी आप न्यूज पे थे एंड प्रीति को लेकर भी आप न्यूज में रहे। प्रीति ने उस पर बात किया है ऑन द लिंक का, विद यू योर कमेंट्स टू इट। जय ग्रुप ना पूछने देना, उन्होंने बात की उस पे कमेंट करना यार। जी प्रीति ने बात किया था जो आपको आपके साथ जो कल इनका न्यूज आया था। जी जी वो बहुत हमेशा सच बोलती है, उन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला। तो इमोशनली आप जो कॉमन फैक्टर है स्ट्रगल, उससे आप कितना कनेक्ट हो पाए इस बायोपिक में? मैं उनकी स्टोरी से जो भी चीजें हुई है इवेंट्स में, वो क्या फील कर रहे थे, मैं वो सबसे बहुत कनेक्टेड था। क्योंकि थैंक्स टू नीरज सर, पूरे वो स्क्रिप्ट मैंने क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ था कि एक बार दो बार जब मैं सर के साथ में बैठा था मुझे एग्जैक्टली पता था कि हर सीन का बॉटम लाइन क्या है और वो क्यों है फिल्म में, तो क्लैरिटी तो बहुत थी। और नजरिया जो है वो मेरे हिसाब से हमारा थोड़ा सा अलग है। हम जनरली सोचते हैं कि जब लोग पहचानने लगे या लोग बोले कि यार अब तुम सक्सेसफुल हो तो तुम कुछ हो, उसके पहले तुमने जितना कुछ किया वो स्ट्रगल है। ऐसा होता नहीं, जब आप काम कर रहे होते हैं और आपको सच में उसमें मजा आ रहा होता है तो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। वो सबसे अच्छा फेज होता है, वो प्रोसेस सबसे अच्छा फेज होता है। उसके बाद आपको फेम और मनी मिले तो वो चार चांद लगने वाली बात है, लेकिन आपका पूरा जर्नी वैसा होना चाहिए। क्रिकेट और एक्टिंग है दोनों में रिस्क फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों में रिस्क फैक्टर बहुत एक्टर होंगे नहीं होंगे, तो आपको ये चीज कितनी डराती है? मैंने अभी दो हफ्ते पहले एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि कुछ 93,000 तरीके से आप रोज मर सकते हैं। तो आप सोचिए अगर आप एक दिन सर्वाइव करते हैं तो आप कितने लकी होते हैं कि आप 93,000 तरीके से नहीं मरते। तो लक तो अगर ये देखा जाए तो जो लक फैक्टर है वो हर चीज में होता है। अगर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है रिजल्ट को लेकर तो फिर ये बहुत ही ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, लेकिन अगर आप मजे ले रहे हैं काम करते हुए तो फिर लक आपको थोड़ी देर तक रोक सकता है, लेकिन इवेंचुअली आप जहाँ पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे।